उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ वापसी के बाद योगी आदित्यनाथ आज राजधानी के इकाना स्टेडियम में मुख्यमंत्री की शपथ ली। योगी आदित्यनाथ के साथ 52 अन्य मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें कैबिनेट में कुछ पुराने के साथ साथ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। इसमें केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम बनेंगे। साथ ही कैबिनेट मंत्री के रूप में 16 विधायकों ने शपथ ली, जिसमें मुख्य रूप से सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह और धर्मपाल सिंह के साथ साथ अनिल राजभर, आशीष पटेल, संजय निषाद के नाम शामिल हैं। वहीं इस बार 16 कैबिनेट मंत्रियों में से 10 नए चेहरों को शामिल किया गया है, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य के साथ साथ बीजेपी के सहयोगी दल के लोगों को भी शामिल किया गया है। बताते चलें, योगी सरकार 2.0 में भी स्वतंत्र देव सिंह को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। स्वतंत्र देव सिंह 2 बार विधान परिषद सदस्य रहे हैं। इससे पहले 2017 से 2019 तक राज्य मंत्री रहे। दलित उप मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी में सबसे ज्यादा चर्चा आगरा ग्रामीण सुरक्षित सीट से जीती बेबी रानी मौर्य को लेकर रही थी। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल थी। उन्हें राज्यपाल पद से इस्तीफा दिलाकर विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया, उन्हें भी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की मैनपुरी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के जयवीर सिंह ने जीत दर्ज की है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिहाज से अति प्रमुख सीटों में एक मैनपुरी विधानसभा समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की शिवपुर विधानसभा सीट से विधायक अनिल राजभर को योगी सरकार में मंत्री बनाया गया है। पिछली सरकार में भी वह मंत्रिमंडल में रह चुके हैं। वहीं जितिन प्रसाद एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। जितिन को 2022 में नए मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया है। वहीं जितिन प्रसाद पूर्व में भारत सरकार के अनेकों विभाग में मंत्री रह चुके हैं। वहीं कानपुर देहात की भोगनीपुर विधानसभा सीट से राकेश सचान ने जीत का परचम लहराया था। राकेश सचान ने कांग्रेस छोड़कर चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। वहीं इस बार योगी सरकार में उन्हें भी कैबिनेट में जगह मिली है। वहीं इसके अलावा विधान परिषद सदस्य और पूर्व आईएएस अरविंद कुमार शर्मा ने जब भाजपा ज्वाइन की थी तभी से अटकलें लग रही थी कि उन्हें यूपी में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इसी कड़ी में उन्हें योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं छात्र राजनीति से पार्षद और विधायक तक का सफर तय करने वाले ब्राह्मण समाज के बड़े चेहरे योगेंद्र उपाध्याय को भी मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। योगेंद्र उपाध्याय ने आगरा की दक्षिण विधानसभा सीट पर जीत की हैट्रिक लगाई है। वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल इसके कोटे से अमल सिंह, आशीष पटेल मंत्री बनाए गए हैं। बता दें कि आशीष पटेल केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति हैं। वहीं निषाद मतों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोड़ने का फल उत्तर प्रदेश सरकार में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को कैबिनेट मंत्री बनाकर दिया गया है। भाजपा ने इनाम स्वरूप उन्हें योगी सरकार में जगह दी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।